मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने अब तक इतनी कम उम्र में 4 किताबें लिखी। ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे टाइटल के लिए मुझे अब ये मिला है, रिकॉर्ड मैंने दर्ज किया वो है और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन बाय ए टीन, सबसे ज्यादा हिंदी पोइट्री लिखने का मुझे बना। कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। हम सिर्फ दो बहनें ही हैं, मुझे भाई नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये लोगों के लिए मिसाल है कि अगर आप अपनी बेटियों पर उतना ये करेंगे, उतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीज़ों अपनी खुशियों को इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर है कि वो उसका आपको बदला ज़रूर देंगी और वो आपका नाम रोशन करेंगी। मैं रात को शाम की तस्वीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं ज़िंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी की कामयाबी उन तमाम लोगों के मुँह पर तमाचा होगी जो कहते हैं कि नाम सिर्फ बेटों से रोशन हो सकता है। कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। बिहार के सिवान जिले की रहने वाली 15 साल की बिटिया ने एक ऐसा कमाल किया है जिसके बाद इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जी हाँ, अभी हमारे साथ यूसरा फातिमा है जो महज 15 साल की, और 15 साल की उम्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने अपना नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किया है, और इसके साथ साथ ये 4 किताबें लिखकर इतिहास भी रच चुकी है। बाकी खुद हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? यूसरा फातिमा। अच्छा यूसरा फातिमा जी, ये बताइए आपने ऐसा क्या कमाल किया है कि पूरे बिहार के जो लोग हैं आपको बधाई दे रहे हैं? मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं और अपनी चौथी किताब को पब्लिश करते के साथ ही मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की होल्डर बनी हूं। तो अब मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की अब होल्डर बन चुकी है। आपको इससे पहले कभी विश्वास था कि इतनी बड़ी उपलब्धि हम अपने नाम हासिल कर लेंगे? अगर सच कहूं तो नहीं, क्योंकि अगर बैक इन 2019 में अपने आप को देखूं, एक 8th-9th स्टैंडर्ड की लड़की जो अपनी पहली किताब लिखने का ख्वाब देख रही है और उसमें स्ट्रगल कर रही है, तो उस वक्त मुझे ये कन्फर्म नहीं था कि मैं अपनी पहली किताब निकालूंगी। और अब अगर मैं देखूं तो मैंने अब तक 4 किताबें लिखी हैं और मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बनी हूं। किताबें को लिखने में कितना वक्त लगा है, क्योंकि एक किताब यहां लिखने में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कई साल बीत जाता है, लेकिन महज 15 साल में आप 4 किताबें लिखती हैं। बेसिकली मैंने लिखना 6 साल की उम्र में शुरू करा था और मेरे पास एक काफ़ी अच्छे कलेक्शन हो गया है पोइट्रीज़ का, जिसकी वजह से उसमें से मैं सिलेक्ट करके और ये करा। तो आई थिंक 6 साल से ही आप किताब लिखना शुरू कर देती हैं। 6 साल की मन में ख्याल कहाँ से, इतना छोटे बच्चे के अंदर तो खेलने उलने के प्रति पढ़ाई के प्रति ध्यान रहता है, लेकिन किताब लिखना आप कैसे स्टार्ट कर दी? मैंने किताब लिखने का नहीं सोचा था जब मैं छोटी थी, तो मैंने बस लिखना शुरू करा था, पोइट्रीज शायरी और 4 पंक्तियाँ से मैंने लिखना शुरू करा था। और बेसिकली अगर ये बात करें तो आसपास की चीज़ों को देख करके जो चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी, मुझे गलत लगती थी, तो मैं उसके खिलाफ लिखना शुरू करा था मैंने। और बस ऐसे ही शुरू हुआ। समाज में जो भी कुछ घटनाएं हो रहे हैं दहेज के ऊपर, मतलब जितना भी चीज़ें हैं सामने आ रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है समाज में अपने कविता के जरिए आप एक संदेश पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग उस समय घर वाले सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं शुरू शुरू? बिल्कुल पूरा। मेरी मम्मी जो थी, मैं अक्सर जब भी उनको लिख के सुनाती थी या फिर कुछ लिख करके लाती थी, तो उसे डायरी में लिखने का काम मेरी मम्मी करती थी। और आज भी तब से एक चीज कॉन्स्टेंट रहा कि उनका वो जो सुनती है वो सेम इंटरेस्ट के साथ। घर वाले का भी बहुत सपोर्ट मिला पूरा ना? पूरा। जिस तरीके से समाज के लोग अक्सर ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ना चाहिए और पढ़ के कोई नौकरी में उपलब्धि हासिल करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप ये फील्ड में आई तो घर वाले काफी सपोर्ट कर रहे थे उस समय? मेरे घर वाले तो काफी सपोर्ट कर रहे थे। मुझे पता नहीं आप किस समाज की बात कर रहे हैं जो ये कह रहा है, क्योंकि मैंने आसपास जितनी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, बहुत ही रेयरली ऐसा किसी को सुना है जो लोग दूसरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपके परिवार के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपकी कामयाबी में कोई उतना ज़्यादा खुश हो सकेगा। बिल्कुल। अच्छा ये 4 किताबें जो आपके द्वारा लिखा गया, ये कौन कौन सी किताबें हैं? पहला किताब ये है क्या, बेरुखी वाला? ये मेरी 4th बुक है, लेटेस्ट पब्लिकेशन। चौथा बुक है, सबसे पहला वाला बुक ये है जज्बा। ये मेरी 1st बुक है जिसको मैंने 21 अप्रैल 2019 में रिलीज करी थी जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। इस बुक को लिखने में कितना टाइम लगा आपको?
इसका शुरुआत मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, क्योंकि जब मैंने डिसाइड करा था मेरे स्कूल में एक दफ़ा मैगजीन के लिए कुछ पोइट्री की मुझसे डिमांड हुई थी, और उस टाइम मुझे पता चला था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिखूंगी, मैं बस लिखती थी। कभी ऐसा सोचा आपने नहीं था कि मैं चार किताबें इतनी पंक्तियाँ एक साथ? नहीं, मैंने बस पोइट्रीज में लिखती थी, उसको डायरी में रखती थी। ये बताइए, ये जितना भी जो किताबें आप लिखी हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ें के बारे में लिखा गया है? बेसिकली इसमें मैंने समाज के अलग अलग पहलू को, लोगों के, रिश्तों के और ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को लिखने की कोशिश की गई है। कुछ समाज को आईने के रूप में रखने की कोशिश की है मैंने। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम महसूस करते हैं लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने लिखा। चीज़ों को अपने कविता के जरिए लोगों में एक अलग संदेश पहुँचाने का आपने काम किया है। अच्छा, आपका मैंने देखा है बहुत सारी जो लाइनें हैं सोशल मीडिया पर भी रील्स में वायरल हमेशा होते रहता है। एक लाइनें हम चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुनाना, आप सुनाइए एक लाइन। श्योर। मेरी ये फोर्थ बुक है बेरुखी, तो इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं सुनाऊंगी। मैंने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए इस पर से लिखा था ये कि देखो रिश्ता बिकता है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, यहाँ हर चीज़ की कीमत लगती है, यहाँ हर चीज़ का सौदा होता है, कोई सस्ता कोई महंगा, हर एक रिश्ता बिकता है। बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, बोली लगती है इंसानों की बाजार में बिकते सामानों सी, रिश्ते जुड़ते हैं पैसों से, देखो रिश्ता बिकता है। चीज़ें छोड़ो सामान भी छोड़ो, इंसानों की यहाँ कीमत है, जितना पैसा उतनी इज्जत, इंसानियत दीदा खोता है, जैसी डिग्री वैसी कीमत, देखो रिश्ता बिकता है, कोई सस्ता कोई महंगा, हर एक रिश्ता बिकता है, हर एक रिश्ता बिकता है। आप सोच मतलब कैसे ली इन सारी चीज़ों को? बहुत मुश्किल होता होगा हिंदी में ये लिखना। आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कि लिखना आपके लिए मुश्किल होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ऑब्जर्व कीजिएगा, और फिर अगर आपको सच्चे में इंसानों से आपको हमदर्दी होने लगेगी और आपको लगेगा कि मैं किस तरह से अपनी बात को रखूं, तो मुझे नहीं लगता कि लिखने के अलावा, लिखने से अच्छा और कोई आपको बेटर ऑप्शन मिल सकता है। आप लिख करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल। और पहला बुक जो है जज्बा है, और दूसरा बुक कौन सा है? ये हिस्से की कोशिश। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें भी मैंने समाज की अलग अलग कई सारी चीज़ों, जो लड़कियों पर, औरतों पर जुल्म होता है, उसके खिलाफ मैंने लिखने की कोशिश करी है, और कई सारी जिंदगी के अलग अलग। आजकल के इस आधुनिक समय में देखा जाए तो बहुत सारे जगहों पे महिलाओं पे, लड़कियों पे अत्याचार भी होता है, दहेज के कारण परेशानियाँ भी होता है, तो इस पर आप कुछ सुनाना चाहेंगे? इस पर मैंने ये लिखा था कि एक बाबुल की लाडली को मार दिया तुमने, एक बाबुल की लाडली को मार दिया तुमने, एक माँ की राजकुमारी को मार दिया तुमने, मार दिया तुमने एक भाई की प्यारी बहना को, मार दिया तुमने एक बहन की दूजी बहना को, जीवन भर जिसने संघर्ष किया केवल, जीवन भर जिसने संघर्ष किया केवल, मार दिया तुमने उस गहना को। अपना सब कुछ छोड़ कर जो तुम्हें हंसाने आई, अपना सब कुछ छोड़ कर जो तुम्हें हंसाने आई, अपनी खुशी भूल कर जो तुम्हें बसाने आई, केवल चंद चीज़ों के खातिर उसे मार दिया तुमने, एक बाबुल की लाडली को मार दिया तुमने, एक माँ की राजकुमारी को मार दिया तुमने। देख सकते हैं कि इन्होंने कमाल का लाइनें लिखा। और ये तीसरा बुक है शाम और तन्हाई। जी, ये अप्रैल अक्टूबर को रिलीज हुई थी, अक्टूबर 15 को ये पब्लिश हुई थी और 18 को ये रिलीज हुई थी, 2021 आई थिंक। ये चारों बुक को लेकर अगर हम बात करें तो चारों को एक साथ मतलब तैयार करने में कितना वक्त लग गया? 2019 में मैंने अपनी पहली किताब निकाली थी और आज 2023 है, आप सोच सकते हैं। मतलब चार साल के अंदर में देखा जाए तो आपने चार किताब को लिख दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये पूरे भारत में पहली आप जैसे बिहार की बेटी है जो पूरे भारत में इतने किताब जो है कम समय में लिखने का रिकॉर्ड बना दिया। जी जी, मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 की मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ, जिसमें कि मेरा जो कैटेगरी है वो यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन बाय अ टीन। तो टीन एज होते हैं जैसे कि 13 से 19 के बीच में, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों में से मैं पहली हूँ जिसने इतने कम उम्र में। बेसिकली ये एक इसका प्रोसेस है, और इसमें रिकॉर्ड होल्डिंग में अगर इस कैटेगरी में बात करूं तो और कोई नहीं है, मैं इंडिया की पहली लड़की हूं जिसने अब तक इतने कम उम्र में चार किताबें लिखी। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखा जाए घर के लोगों का रिएक्शन कैसा मतलब है जैसे ही पता चला घर वाले? बहुत अच्छा लग, बहुत ज्यादा खुश थे वो, और कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट की वजह से ही ये सब चीज मुमकिन हो पाई है, तो यार बहुत खुशी थी। बाकी आप देख सकते हैं कि यूसरा को जो है कहीं ना कहीं ये चमचमाता हुआ ये जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इसको दिखाइए अंदर क्या क्या चीजें हैं इसमें, दिखाइए
ये देखिए इसमें सर्टिफिकेट है जो कि जी जिसमें कि मेरा टाइटल जो है, जैसे टाइटल के लिए मुझे ये मिला है, रिकॉर्ड मेरे मैंने दर्ज किया वो है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है, मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन बाय 18, सबसे ज्यादा हिंदी पोइट्री लिखने का मुझे बना है। द रिकॉर्ड फॉर राइटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स वॉज सेट बाय युसरा फातिमा ऑफ सिवान बिहार, शी रोट फॉर हिंदी पोइट्री बुक टाइटल जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई एंड बेरुखी, पब्लिश बाय नोशन प्रेस ऑन April 29, 2023 एट द एज ऑफ 15 years, 6 months and 11 days एज कन्फर्म ऑन 21 September 2023। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कि इन्होंने समाज के ऊपर भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। लोग जो है समाज में अक्सर बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बेटी होने के बाद भी इन्होंने कभी ऐसा मतलब घर वाले को नहीं लगा कि हमारे पास बेटी है, बेटी होने के बाद भी जो है घर वाले काफी सपोर्ट किए। बिल्कुल, मुझे आज तक आजकल चाहते हैं कि बेटियों को ज्यादा आगे बढ़ाए, बेटियों को नहीं बढ़ाए, तो जो लोग ऐसा चाहते हैं आई थिंक उनके लिए ये एक मिसाल है कि आप अगर अपनी, मेरे हम सिर्फ दो बहनें ही हैं, मुझे भाई नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये लोगों के लिए मिसाल है कि अगर आप अपनी बेटियों पर उतना ये करेंगे, उतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीज़ों अपनी खुशियों को इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर है कि वो उसका आपको बदला ज़रूर देंगी और वो आपका नाम रोशन करेंगी। मतलब आपके भाई नहीं है, दोनों आप लोग बहन लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी कभी पापा की तरफ से ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास बेटी है बेटा नहीं है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे पापा कहते हैं कि मेरी बेटी की कामयाबी उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा होगी जो कहते हैं कि नाम सिर्फ बेटों से रोशन हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रही है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है आप जो है देखा जाए तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज करा ली है, आगे क्या कुछ आपका सोच है, आगे क्या करने वाली है आप? मैं, मुझसे जो मुमकिन हो सकेगा मैं करूँगी, और राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मैं हमेशा मेरे साइड से ही रहेगी। मेरा मेन फोकस किसी और चीज़ पर है जो कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर। आइडियल किसको मानती है? ऑब्वियसली मेरी पेरेंट्स और मेरी बहन। अच्छा, बहन से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता है? अक्सर घर में हम देखते हैं कि दूसरी बहन जो होती है छोटी बड़ी बहन को देख के जलती है कहीं हमसे वो आगे ना बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, मेरी बहन ही है, मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरी बहन ही मुझे फोर्स करके करती है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो बेसिकली मैं जो भी करती हूँ उसमें जितना अगर मैंने अपने मैं लिखती हूँ तो उसके उसमें पब्लिकेशन होने का, उसके कामयाब होने का पूरा श्रेय मैं अपनी बहन को देती हूँ, पूरे श्रेय दिल से देती हूँ, क्योंकि शी इज द वन जो मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश होती है, मेरा मेडल देख करके मुझसे ज्यादा वो खुश हो रही थी। हाँ, आपकी बहन जी। बिल्कुल, चार पंक्तियां हैं कि मैं रात को शाम की तस्वीर लिखती हूँ, मैं रात को शाम की तस्वीर लिखती हूँ, मैं राख को आग की ताबीर लिखती हूँ, और मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं लिखती हूँ हर बात को इंसाफ की स्याही से, मैं जिंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ, मैं जिंदगी को मौत की जागीर लिखती हूँ। लड़कियों पर को एक मैंने लिखा था, कभी लड़की बनकर देखना, वो मुझे बहुत पसंद है, और ये कुछ इस तरह से था कि कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब करना पड़ता है संघर्ष एक एक पल जीने के लिए, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। और यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, यूं तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। सात फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, सात फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है, कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जी कर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। बहुत बढ़िया, तो कैसे लोग इस बुक को ले सकते हैं, अगर आप आपकी बुक लेना चाहे लोग? जी मेरी सारी किताबें Amazon और Flipkart पर अवेलेबल है। मेरी पहली किताब है जज्बा, दूसरी है मेरे हिस्से की कोशिश, तीसरी है शाम और तन्हाई, और चौथी है बेरुखी। तो आप सर्च कर सकते हैं Amazon या Flipkart पे और वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। Amazon पे जाके क्या सर्च करना होगा? किताब का नाम सर्च करेंगे, जो भी नाम है वो सर्च करेंगे तो उनको मतलब आ जाएगा, और वहां से बुक को ले सकते हैं। एक बुक का प्राइस कितना पड़ेगा? सारी किताबों का दाम अलग अलग है, लाइक मेरी फर्स्ट और सेकंड बुक है जज्बा और मेरे हिस्से की कोशिश, ये 99 और 99 के अप्रोक्सी में है। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आगे और भी आगे बढ़े और बिहार का नाम ऐसे ही
ही आप रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच। बाकी हमारे साथ बिहार के सिवान जिले की महज 15 साल की यूसरा फातिमा बात कर रही थी, जिनको लेकर अगर हम बात करें तो महज 15 साल के एज में अगर देखा जाए तो इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का कहीं ना कहीं नाम से जो है कहीं ना कहीं नवाजा गया है, और ये बिहार के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही गर्व की बात है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।